जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लू आइज पपी डेविल है। बेटा आग दिखाइयो, दिखा आग दिखा ऊपर। तो अभी ये 42 डेज का या 43 डेज का हो चुका है। तो इसको हम हैंडल कैसे करते हैं? तो अभी ये जैसे छोटा है, आपको भी मालूम है छोटा बच्चा पेशाब बहुत करता है, पानी बहुत पीता है, बार बार 4 से 5 बार इसके दिन में डाइट रहती है। तो जहाँ जहाँ ये टॉयलेट करता है, तो हम ये एक नॉर्मल टिश्यू आते हैं, इन नॉर्मल टिश्यू की जगह हम यूज़ करते हैं स्पेंसर के या डिनर नैपकिन, ये हैवी क्वालिटी के हैं। तो जहाँ पे भी टॉयलेट करता है उसकी जगह एक ये हैवी क्वालिटी का नैपकिन डाल देते हैं, और एक ये जब ये खाना पीना अपना खा लेता है तो उसके बाद हम इसका मुंह और हाथ, ये ग्रूमिंग वाइप्स स्पेशली पपियों के लिए है, इसके ये हल्के से मॉइस्चर रहते हैं, मॉइस्ट है तो ये हल्के भीगे रहते हैं केमिकल से, इससे हम इसका मुंह और हाथ वगैरह साफ़ कर देते हैं ताकि इसको कोई बैक्टीरिया या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए गंदगी से। तो ये तो इसकी साफ़ सफाई के लिए हो गया। पोटी वगैरह भी कहीं होती है तो हम इसी से इसके साफ़ कर देते हैं। और इसको हम खाने में क्या देते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये अब ज़्यादा लड़ाकू हो गया है और ज़रा बाई बाइट पर बाइट करने लगता है, हर जगह काटा पीटी करता है। इसको खेलने का सामान दो तो उससे नहीं खेलता है, इसके लिए काफ़ी टॉय वगैरह ला रखे हैं हमने, रोप के भी और वैसे भी, मगर इसको पैरों की स्मेल और जूते चप्पल ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं काटा पीटी करने के लिए, और चलते चलते पैरों में लिपट जाता है इस समय ये। हालांकि अभी इसको वैक्सीन नहीं लगी है, इसकी वैक्सीन तकरीबन लगेगी अभी 45 से 50 दिन का हो जाएगा। देख बहुत खेलने के मूड में रहता है। अभी इसने खाना पीना खा लिया है तो बहुत खेलने के मूड में रहता है। आग दिखाइए अपने, आग दिखा, ओ बाबू का आग। और ये हमने वाइट रेड भी पाल रखे हैं और इसका नाम चूई है, इसके 9 बच्चे हुए हैं और ये अपने 9 बच्चों को बड़ा कर रही है धीमे धीमे पिला करके दूध वगैरह। और सभी के इसके 10-15 दिन हो गए बच्चे का दिन पैदा हुए, और अब इस पर वाइट वाइट बाल भी आ चुके हैं इनके बच्चों पर। ओ फोकस, चलो आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा ओपन करके, ये खोलते ही आ जाती है एकदम से। चुई 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 चुई, चलो अभी ये फ़िलहाल में अपने बच्चों को दूध पिला रही है, पीने दो इसको दूध। यहाँ पर ये हमने 2 बर्तन रख रखे हैं, ये हमारे विक्ट्री का है बड़ा, और ये छोटा इस डेविल का है, और बहुत ज़्यादा नटखट और बहुत ज़्यादा शरारती होता जा रहा है जैसे जैसे इसके दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालाँकि विक्ट्री भी हमारा जब छोटा आया था वो ऐसे ही था, बहुत ज़्यादा शरारती और बहुत ज़्यादा कट करना। इसमें पानी पी रहा है, इसको मालूम है किसमें पानी पीना है। डेविल को डाइट में फिलहाल हम रॉयल कैनिन की स्टार्टर दे रहे हैं और नेस्ले सेलेक का वीट एप्पल फ्लेवर का इसको पाउडर दे रहे हैं। तो 1 स्कूप इसमें से देते हैं हम इसको, इसको 5 टाइम की डाइट कर रखी है हमने, ये पाउडर है। और 1 स्कूप हम लमसम इसमें से मिक्स करके गर्म पानी में हल्का सा लिक्विड टाइप का इसके लिए बना देते हैं, जिसको ये बहुत ज़्यादा पसंद करता है। मगर ये जो रॉयल कैनिन का स्टार्टर है इसकी स्मेल इतनी हाई है जिसकी वजह से कम 10 से 15 फुट की दूरी से इसको बहुत तेज़ महक आती है और इसको ये खाने के लिए दौड़ता है। तो ये आपका प्राइस 970 का है 1 kg का, मगर ये तकरीबन 850 रुपये का हमको पड़ जाता है। और इसमें एज के हिसाब से, यानी कि आपका पपी कितना एज का है या कितने किलोग्राम का, उसके हिसाब से इस पर यहाँ दिया हुआ है, जैसे 26-30 किलो का, तो उसको किस हिसाब से इसको बनाना है क्वांटिटी में, तो इस हिसाब से इसको हम दे देते हैं। और आपको कोई जानकारी लेनी हो साइबेन हस्की के बारे में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर किसी और ब्रीड के बारे में। और हाँ,